क्योंकि वो तो साला आयास है, वो एक नंबर का आयास है और हमारा पैसा खा रहा है, हमारे पैसे पे अयासी कर रहा है। अगर आपके घर के अंदर लड़का हो और पहली बीवी के होते हुए दूसरी ले आए, जिसके बड़े 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 साले को लात मारते भगा दोगे आप? हमको बोलता है हम आतंकवादी हैं, ये सिर पे जो टीका लगा के माथे पे भाई जी घूम रहे हैं, मैं लगा के घूम रहा हूँ, सुबह पूजा करके अपने लिए दुआ मांगते हैं, पूरी धरती के लिए दुआ मांगते, पूरे देश को कल्याण हो, कौन बोलता है? हिंदू बोलता है, हिंदू बोलता है। मैंने दिग्विजय सिंह के लिए कुछ शब्द बोले हैं, यहाँ पे उनके कुछ रिश्तेदार खड़े हुए हैं, उनको इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा है। दिग्विजय सिंह इतना बौखलाए क्यों है, जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, जब भी बयान देते हैं हिंदुओं के विरोध में देते हैं? ऐसा है, इसने हिंदू कुल के अंदर जन्म ही नहीं लिया। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात, वो हिंदू है या नहीं है? हिंदू कुल में जन्म लेते के साथ ही कुछ रीति रिवाज चालू हो जाते हैं। जब बच्चा जब कहते हैं ना 2 से 3 महीने का होता है, तभी उसके मुंह से ओम ओम निकलने लगता है। इसके मुंह से निकला रहा है, अब मैं बोलूंगा क्या बोलूं, इसके मुंह से और ही किसी कौम के लिए जो निकला है वो निकला अल्लाह इल्ला निकला होगा, ठीक है, जो उन लोगों की तरफदारी ज़्यादा करता है। और हम लोगों को तो आतंकवादी इसने बोल ही दिया, अब आतंकवादी का कलंक का धब्बा लग ही गया। हे दिग्विजय सिंह महाराज, AK-47 राइफल हिंदुओं को बंटवा दे, ठीक है, जो कि हम लोग भी कम से कम आतंकवादी बने। अरे नाम दे दिया है, काम तो कर दे। सही, अगर नाम दे दिया है काम तो कर दे। अरे हम आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तू हमें ट्रेनिंग तो दिला और फिर देख बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान का हम क्या हाल करते हैं। पाकिस्तान का वो हाल कर देंगे दिग्विजय सिंह कि तू और तुझे तेरी फैमिली और तेरे पूरे परिवार को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जगह थोड़ी पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना यह है, मोदी जी के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के जितने भी दल बदलू मैं देख रहा हूँ वो बीजेपी की तरफ को आ रहे हैं, लात मार दो, नहीं तो ये बीजेपी को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। इन लोगों ने क्या किया है, अपने अपने घर भरे हैं। दिग्विजय सिंह ने, आज दिग्विजय सिंह ने वो काम कर दिया है, चोरों की बात मत, ठीक है, उसने जख्म के अंदर हिंदुओं के उंगली घुसेड़ी है। और ये जितने हिंदू हैं, दिग्विजय सिंह पता नहीं तेरे कहां कहां हाथ घुसेड़ेंगे। आज तू गिनता रहे, आज तू गिनता रहे, तेरा अंत समय नजदीक आ गया है। और कहते हैं ना, जब आदमी का जो पानी का बबूला होता है ना, जितनी जल्दी फूलता है और उतनी जल्दी फूटता है, और तू फूटने वाला है। हिंदुओं को आतंकवाद कहने वाले, तेरा समय नजदीक है, या तो तुझे कोई अपना मारेगा या तू पब्लिक के हाथों मारा जाएगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, जैसे आज दिग्विजय सिंह का बयान आया, आपको क्या लगता है जो बजरंग दल है भाजपा, उसको पाकिस्तान के ISI से फंडिंग हो रही है? सर मैं तो दिग्विजय सिंह के मुंह पे लानत फेंकता हूँ। पहली बात कि हिंदू संगठन जो हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के ऊपर लानत उठा रहा है दिग्विजय सिंह, वो वाकई में कांग्रेस का दलाली और कुछ नहीं है। कांग्रेस की दलाली करते करते वो आज उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि इतने अपशब्द का यूज़ करके हिंदू आतंकवादी। एक बात बताओ, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी, जो आज हम बजरंग दल RSS का नाम ले रहे हैं, अगर बजरंग दल RSS के अंदर इतनी आतंकवादी शक्ति होती 1%, पहली बात तो कश्मीर का हिस्सा कभी पाकिस्तान में जाता ही नहीं, POK कभी दूर रहता ही नहीं, शुरू से ही BJP मिलकर के RSS वाले मिलकर के इसको कब का उखाड़ के लिए आते। आज तक हम लोगों ने कभी अहिंसा का ही साथ दिया, हिंसा का साथ नहीं दिया, अहिंसावादी रहे हम लोग 5000 वर्ष से। आज हिंदू से ज़्यादा अहिंसावादी कोई नहीं है, एक हिंदू की शक्ति है, जो हिंदू आज 100 करोड़ होने के बाद भी बाकी लोगों को अपने साथ दिल से मिलाकर जोड़ के बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। आज विदेशों में हमारी हिंदी संस्कृति को जोड़ा जा रहा है, आज वेस्टर्न कल्चर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहा है, वो हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, जो आज फॉरेनर सारी हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रही हैं। ये जो हमारा विश्व को, जो हमारी विश्व धरोहर है ना 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, ये पूरा वर्ल्ड इसको मानता है, पूरे वर्ल्ड में इसका डंका बजता है। उसके बाद दिग्विजय सिंह जैसे कुछ नुमाइंदे जिनकी 1 रुपये की औकात नहीं है हिंदुओं के सामने बोलने की, वो अगर इतनी घटिया शब्द यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें उनका वो कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं रह रहे, यहाँ तो हिंदुस्तान से बाहर बैठो कि भी ऐसी की तैसी कर रखी है हमारे मोदी सरकार ने। आज उसका जो हाल है ना, इमरान खान का कटोरा लेके भीख मांगने के औकात पर आ गए वो। उसके बाद कल तक वो गाने गा रहा था कि हम वो करेंगे आपका हमला, वैसा हमला करेंगे, परमाणु हमला। आज बातचीत पे आ गया है वो, तो
अच्छा ये बताइए, दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ ही वो बोलते हैं, इससे पहले हिंदू आतंकवादी, इस तरह के बयान उनके तमाम आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको मना क्यों नहीं करते इसी बात बोलने के लिए, पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता? देखो कांग्रेस पार्टी के खरीदे हुए गुलाम है वो, और कांग्रेस पार्टी ने उनको एक मोहरा बना रखा है, और जो भी उनके शब्द हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी की ही देन है। वो ये सारी वंशवाद पार्टी चलती आ रही कांग्रेस, इसने सिर्फ एक तरफा वोटों के हिसाब से ही इस्लाम को यूज़ करा है। आज मुसलमान के दिल से पूछो आज कांग्रेस ने क्या करा, क्या दिया उन्हें? दिग्विजय सिंह किस बात के लिए हिंदू को ललकार रहा है, किस बात के लिए कौन सा वोट इकट्ठा कर रहा है वो? आज कांग्रेस पार्टी ने जो करा है 70 साल में मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा जाति हुई है, सबसे ज़्यादा जाति, आज वो मुस्लिम वर्ग पूरा पूरा हमारे हिंदू समाज के साथ जुड़ करके आज मोदी सरकार को ने पूरे बहुमत से जिताया है। इस बात की उनको मतलब एक कहते ना किसानी बिल्ली खंबे नोचे, अब उनकी बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर को थूतू हो रही है। कांग्रेस पार्टी का एक नाम था और नाम ही रह जाएगा, और मेरे ख्याल से सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। और दिग्विजय सिंह जो है ये छोटे मोटे मुआमदे मोहरे जाएँ, ये अपनी फिक्र करें, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के बीच में रह के ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भाई की बात सही, या तो कोई अपना मारेगा और नहीं तो पब्लिक ही उनका अपने आप बंटवारा कर देगी। तो आगे आप क्या समझ के बोलें भैया, गलत बोले हैं वो, ठीक ना, उनको उन पर केस होना चाहिए। और लेकिन एक बात हमको समझना चाहिए कि ये आप अगर आपके घर में 5 आदमी है ना, अगर एक गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा घर गलत नहीं है, ठीक ना। तो हम जो कांग्रेस पार्टी पूरा गलत बोल रहा है ना, ऐसा नहीं है, उन्हें मनमोहन सिंह जैसे भी आदमी हैं जो अच्छे हैं। तो आप पूरे को गाली नहीं देते, जब भी वो कोई गलत बात बोलते पार्टी का बयान क्यों नहीं आता? भैया पार्टी का बयान भी आएगा, उनको निकाला भी जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इस बार तो हो जाएगा। पुलवामा हमले पे फटाफट आया था कि आपने हमला किया नहीं, आज इनके इमरान खान जो इनके पाले पे कांग्रेस के थे, आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दोबारा से मोदी जी वैसे ही हमला करेंगे जैसे उन्होंने पुलवामा पे करा था हमला, आज ये चीज फैक्ट हो चुकी है। मगर यहाँ के बैठे घर के बेदी लंका ढाए ये वो कांग्रेसी लोग हैं जो यहीं की खाके यहीं की छेद करके और आज भी वहीं का गुड़गाते हैं। ये पाकिस्तान के ही लायक है, लाहौर और मोरा वहीं पे रहने के लायक है, इनका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है इनको। सर मैं अभी उनका नाम तो नहीं जानता, वो एक मुल्ला है, दाढ़ी बकरे जैसी रख के टोपी पहनता है, और वो जो हिंद नहीं जो हिंदू को मुसलमान बनाने का ज़्यादा काम करता है, क्या नाम है अभी वो बाहर मलेशिया वगैरह में कहीं है, जाकिर नाइक और दिग्विजय सिंह, ये आपस में भाई भाई है सोतीले, क्योंकि जाकिर नाइक का बाप जो था वो दिग्विजय सिंह का भी बाप था, ठीक है, दोनों का बाप एक ही है। तो जब भी जाते हैं कहीं भी सभा होती थी दिल्ली में है या कहीं पे भी हिंदुस्तान के अंदर, तो उनसे ज़रूर जा कर के मिलते थे ये, और उनसे आशीर्वाद और फंड के काफ़ी पैसे वैसे भी मैंने लेते हुए खुद देखा है। मेरे को भी बुलाया गया था, चलो हिंदू हो मुसलमान बनो, मैं तो और 20 मुसलमानों को उधर लेके चलाया, आज जाफराबाद में से छोड़ कर गए, वो इधर हमारे हिंदू आने एरिया में रहने लगे, मगर मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि मैं 10-5 पीट टिक गया, ठीक है। मगर मैं दिग्विजय सिंह को ये कहना चाहता हूँ, दोगले इंसान, अरे जिस थाली में खा रहा है उसमें छेद मत कर, और जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा तेरे को मिलेगा क्या, ठीक है। सिर्फ बद्दुआएं, और जो तू सोचता है ना थोड़े दिन जिएगा, जहाँ जाएगा डर डर के जाएगा, 10 की जगह 20 सिक्योरिटी गार्ड लेके जाएगा, क्योंकि अब तेरे दिल के अंदर हिंदू आतंकवाद का खौफ पैदा हो गया। आज तूने इतने हिम्मत से और चैनल राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बोल दिया हिंदू आतंकवाद है। अरे हिंदू आतंकवाद, अगर हिंदू आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद का जलवा तो देखना, अरे कहीं मिलना अकेले तुझे हिंदू आतंक निहत्ते पर दिखाएंगे बिना हाथों के। ये वो कह रहे हैं अगर हिंदू आतंकवाद होता तो कश्मीर से जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था उनमें से तो एक भी आतंकवादी नहीं बना, और जिनको उधर खाने को मिल रहा है, जिनको पाल रही है सरकार, उनमें से आए दिन आतंकवाद पैदा होते हैं। एक भी बताइए कश्मीर में 5 लाख बंदों को निकाला गया, बताता हूँ मैं आपको उसके बारे में, बताता हूँ आपको, क्योंकि हिंदुओं के अंदर सबसे जड़ी भावना क्या है, दया। हमारे लोगों में क्या है कि जरा सा खून देखते हैं यूं करने लगते हैं, जरा सा खून देखा नहीं जाके 4 बार कपड़े धोएंगे, ठीक है। और कश्मीर के अंदर जो 1990 उन आदमियों का कत्ल हुआ, ठीक है, जिनके घर के अंदर चाकू पे भी धार नहीं होती है, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से एक पत्थर ले लेंगे उस पर घिस घिस करके, ठीक है, तब उससे सब्जी काटते हैं। और ये जो कश्मीरी आतंकवादी हैं ये क्या करते हैं, 5-6 आदमी का झुंड बनाया, झुंड होता है सुअरों का झुंड, देखा है कभी, वो सुअरों का झुंड बना करके चलते हैं।
और देखते हैं कि आज भैया पंडित रामचंद्र का घर है वहाँ, चलो तीन ही आदमी है, हम पे तो 146 है, उसके पास है क्या? गए भाई बोलिया, ओए खाली कर देना यहाँ, लौंडिया बीबी छोड़ जाना और तुम यहाँ से चले जाना, उनको हम रख लेंगे। अब दो आदमी तीन आदमी 147 राइफल के आगे कौन बोलेगा, कोई बोल सकता है? जबकि सबको पता है ऊपर वाले ने जन्म दिया है, मरना एक दिन है, और मरो तो शान से, मरो तो शान से जो कि कोई याद करे। ऐसे आए और गए, इसमें कोई फायदा नहीं है। और ये रात को आते हैं कश्मीरी पंडितों के यहाँ, चार को मार दिया, 400 अपने आप भाग जाएंगे भाई साहब। चार घर के अंदर आतंकवादी घुस जाए ना तो 400 अपने आप भाग जाएंगे, बोले आज तो हमारी है कल को हमारी है। अभी यहाँ किसी ने अगर कुछ बोल दिया या कुछ पटाखा भी फूट गया, सबकी हालत देखना कैसी होती है, सभी कोई इधर को भागेगा कोई इधर को, जान सबको प्यारी होती है। तो 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों का जो हमारे भाई जी कह रहे हैं उसमें दिग्विजय सिंह का पूरा हाथ था, उसमें दिग्विजय सिंह का पूरा हाथ था, ये राहुल गांधी नहीं बोला 1990 में, क्योंकि बच्चा था, नाक में उंगली देख के नाक चाटता था उस टाइम, छोटा बच्चा था, कभी जीभ से नाक चाट लेता, अकल नहीं थी इसको। मगर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, चाहे विदेश में टीचर शादी हुई थी या नहीं हुई थी, कांग्रेस तो थी। इन भूतनी वालों ने, कांग्रेसियों ने 1990 में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, क्या किया? उनके कैंप में देखने तक के लिए नहीं गए, लोग भूखे हैं, नंगे हैं, क्या हैं, और इनको सबको मना करा दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने बोला कि मरने दो सालों को, हमें कश्मीर में सिर्फ एक ही कौम चाहिए और वो चाहिए मुसलमान। वो सारे नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मेरे आपका ध्यान कहीं और है। इन्होंने बोला एक ही कौम चाहिए हमको वहां मुस्लिम। मैं इससे पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से, राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला का बाप था क्या, जो उसकी जागीर कश्मीर है? अरे राजा हरि सिंह हिंदू था और जम्मू कश्मीर पीओके हिंदुओं का है। अगर वहां का राजा हिंदू तो प्रजा हिंदू, राज हिंदू, तो मुस्लिम कहां से आ गया? आज कहते कि मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, अरे मुस्लिम क्यों बनाओ, मिला जुला के बना लो, आदर से रहो, एक दूसरे की भावना का आदर करो, एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे ना तो तुम चैन से रह पाओगे और ना ये हिंदू चैन से रहने देंगे।